और नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिकुलर कायरलिटी। ओके, सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कायरल एंड ए कायरल स्ट्रक्चर्स को। तो कायरल एंड ए कायरल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, ये हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो कंसेप्ट है कायरल और ए कायरल स्ट्रक्चर्स का, दैट वाज गिवन बाय थ्री साइंटिस्ट, काहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। ठीक है, 1964 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कायरल और ए कायरल स्ट्रक्चर्स का। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अभी कायरल और ए कायरल स्ट्रक्चर्स क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द कायरल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो वो स्ट्रक्चर और कोई ऑब्जेक्ट को हम कायरल कब कहते हैं, जब उस स्ट्रक्चर की जो मिरर इमेज आती है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर पे सुपरिम्पोजेबल ना हो। ठीक है, अब सुपरिम्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज हमने अपने लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, बट अगर हम उस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को उनकी हथेलियों को ऊपर करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो सुपरिम्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हैंड का थंब आता है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर है, उसके बाद दिस इज अ सेकेंड फिंगर, देन थर्ड फिंगर एंड द लास्ट फिंगर। ओके, लेट इट बी ए हैंड। तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ये हमारी हथेली है, यहाँ पे क्या होगी हमारी कुछ रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, अब इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो कैसी आएगी, बिल्कुल इस तरीके से, जो लास्ट फिंगर है वो इस साइड पे आएगी। ओके, उसके बाद रिंग फिंगर आ जाएगी, देन मिडल फिंगर आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगी इंडेक्स फिंगर आएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे थंब आ जाएगा। ओके, सो दीज आर दी मिरर इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इसकी जो रेखाएं वो आ जाएगी। अगर हम इस हैंड को उठा के जस्ट इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, दोनों की हथेलियां क्या हों, ऊपर साइड पे हों, मतलब हमारी साइड पे हों, तो उस केस में ये जो थंब है वो इस साइड पे आएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट फिंगर है वो यहाँ पे आएगी। मीन्स हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनकी मिरर इमेज क्या हो, उस एक्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर सुपरइम्पोजेबल ना हो, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट, या फिर हम कायरल स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम उनकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसको कायरल ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रक्चर को हम कायरल स्ट्रक्चर कह देंगे। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है, कोई भी जो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कौन सी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कायरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी मिरर इमेज जो हो उसके ऊपर सुपरिम्पोजेबल नहीं होगी, तो उस स्ट्रक्चर में आप चेक कर लेना कहीं भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन हैंड एक सबसे हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक कायरल ऑब्जेक्ट है। इट डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट कैन नॉट बी सुपरिम्पोज ऑन द मिरर इमेज। ठीक है, सो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कायरल ऑब्जेक्ट को या कायरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हूं। इसी तरीके से हमारे पास देयर आर वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब 2-क्लोरोब्यूटेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, देखने को तो बहुत सिंपल सा लगता है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखें CH3 CH2 CH CH और यहाँ पे CH3, बट अगर हम इसकी थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे क्लोरीन है, और यहाँ पे हमारे पास एक इथाइल ग्रुप है C2H5, और पिछले साइड पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। मीन्स दिस कार्बन विच इज हैविंग द मिथाइल ग्रुप ऑन द वन साइड, क्लोरीन ऑन द अदर साइड, हाइड्रोजन ऑन द बैकवर्ड साइड एंड इथाइल ऑन द फ्रंट साइड। ओके, तो इसकी जब हम मिरर इमेज लेते हैं तो मिरर इमेज जो इसकी आएगी वो इस तरीके से आएगी कि इस साइड पे हमारे पास क्लोरीन रहेगा, ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास मिथाइल है, और यहाँ पे
हाइड्रोजन है और इस साइड पे हमारे पास क्या है, C2H5 इथाइल ग्रुप है। अब ये मॉलिक्यूल की ये मिरर इमेज है, इसको अगर आप इसके ऊपर रखते हो तो ये सुपरिम्पोज नहीं करेगी। इवन थोड़ा सा आप इसको अगर रोटेट भी कर लो तो भी क्या करेगी, ये सुपरिम्पोज नहीं करेगी। मींस अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट करते हो कि आप इस साइड पे इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, इस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो कि ये इथाइल ग्रुप को आप इसके ऊपर सुपरिम्पोज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, इथाइल तो इथाइल के ऊपर सुपरिम्पोज कर जाएगा, बट ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये पीछे चली जाएगी। अब क्लोरीन जब पीछे जाएगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगी, और ये हाइड्रोजन जो पीछे था ये हमारे पास प्लेन में आ जाएगा तो ये क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे तो रहेगा मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये चला गया इथाइल यहाँ पे C2H5 और क्लोरीन चलेगी पीछे, तो ये चीज बन जाएगी। अगर आप इसको उठा के जस्ट इसके ऊपर रखोगे तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली सुपरिम्पोज नहीं कर रहा, इथाइल इथाइल के ऊपर सुपरिम्पोज कर रहा है, मिथाइल मिथाइल के ऊपर सुपरिम्पोज कर रहा है, बट हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे सुपरिम्पोज कर रहे हैं और हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे सुपरिम्पोज कर रहे हैं, तो जो कि एग्जैक्टली सुपरिम्पोजेबल स्ट्रक्चर नहीं आती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि उनकी जो मिरर इमेजेस हैं वो उनके ऊपर सुपरिम्पोज नहीं करती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कायरल स्ट्रक्चर कह देते हैं। एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ जो आप बार बार पढ़ते जाते हो, दैट इज द लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि हमारे पास एक साइड पे CH3 ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन है उस पे एक तो OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और तीसरा जो है वहां पे CuOH ग्रुप है। तो दिस कार्बन, इस कार्बन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे COOH रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम OH ग्रुप रखते हैं और प्लेन में हमने मिथाइल ग्रुप को रखा, तो बैक साइड पे हमारे पास क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो इसकी भी मिरर इमेज जो होगी वो क्या करेगी, इसके ऊपर सुपरिम्पोज नहीं करेगी। किसी भी तरीके से आप कोशिश करने कर लो, ये सुपरिम्पोज नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो इस साइड शो होगा मिरर में, ओके, और ये OH हमें इस साइड दिखाई देगा और ये मिथाइल ग्रुप हमें इस साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सिस से इसको रोटेट करके भी कोशिश करोगे तो ये सुपरिम्पोज नहीं करेगा, मतलब किसी भी तरीके से ये सुपरिम्पोज नहीं करेगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो उनकी जो मिरर इमेजेस है वो उनके ऊपर सुपरिम्पोज नहीं करती है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कायरल स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, ठीक है। सो द सब्सटेंस हैविंग द कायरल स्ट्रक्चर्स आर सेट टू पोजेस अ प्रॉपर्टी नोन एज द कायरलिटी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर्स की, सब्सटेंस की, जिनके अंदर कायरल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट होगी तो हम कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस में वो कायरलिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम जब कायरलिटी की बात करते हैं तो कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की और कंप्लीट ऑब्जेक्ट की, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर की, ठीक है। किसी एक पार्ट की ये प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे स्ट्रक्चर की और पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा नहीं कहना कि आपने सिर्फ इस कार्बन के ऊपर ही इसकी जो है कायरलिटी आ रही है, बाकी किसी कार्बन पे नहीं आ रही है, ठीक है। अगर किसी एक कार्बन पे भी आ गई तो मीन्स ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है वो कायरल हो जाएगा, क्लियर। सो ये थी हमारे पास कायरल स्ट्रक्चर और कायरलिटी। इसके बाद आता है हमारे पास ए कायरल स्ट्रक्चर। अब ए कायरल स्ट्रक्चर क्या होती हैं? नाम से ही पता लग रहा है भी ए कायरल स्ट्रक्चर भी जिसमें कायरलिटी नहीं होगी, जिसमें कायरलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ए कायरल स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसी स्ट्रक्चर्स विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और यू कैन से द सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट उसमें क्या होगा होगा तो वहां पे वो क्या करेगा, सुपरिम्पोज कर जाएगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी में आ जाए तो उसकी जो मिरर इमेज होगी स्ट्रक्चर की, दैट वुड बी सुपरिम्पोजेबल ऑन द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दो सब्सटेंस विच आर हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड देयर मिरर इमेजेस आर सुपरिम्पोजेबल एंड दे द स्ट्रक्चर्स और द सब्सटेंस इज सेट टू बी
एक आयरल, ठीक है, एक आयरल भी कह सकते हैं और उसको हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो कायरल कंपाउंड होते हैं उनको हम डिसमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, डिसमेट्रिक कंपाउंड्स, दे आर नोन एज दी डिसमेट्रिक कंपाउंड, क्लियर। सो द सब्सटेंस और द ऑब्जेक्ट विच हैव द प्लेन सिमेट्री और द सेंटर सिमेट्री एंड इज सुपरिम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज आर सेट टू बी ए कायरल कंपाउंड्स और ए कायरल स्ट्रक्चर्स और ए कायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर में हमेशा मैंने बताया क्या होगा, या तो प्लेनोसिमेट्री होगी या फिर सेंट्रोसिमेट्री होगी। फॉर एग्जांपल लेटर ए, ठीक है, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि लेटर ए एक ऐसा लेटर है जिसमें प्लेनोसिमेट्री भी है और इसकी जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर सुपरइम्पोज कर जाती है, ठीक है। किस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास इसकी मिरर इमेज आएगी ए, इसको जस्ट उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये सुपरइम्पोज कर जाएगी। अब बात करते हैं सिमेट्री की। अब इसमें क्या है, एक प्लेन सिमेट्री है, अगर आप इस ए को इस तरीके से डिवाइड करोगे या इसमें से कोई प्लेन पास करोगे तो ये दो बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस लेटर ए इज ए कायरल ऑब्जेक्ट और ए कायरल लेटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो बटन होता है हमारा शर्ट का बटन, ठीक है, वो भी क्या है, एक ए कायरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो भी बिल्कुल क्या रहेगी, सेम उस तरीके से रहेगी जो कि उसके ऊपर सुपरइम्पोज कर जाएगी। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसमें प्लेनोसिमेट्री की, तो इसमें प्लेनोसिमेट्री होती है, ठीक है। किसी तरीके से आप देख सकते हो, इसमें ऐसे प्लेन पास करोगे तो ये ऊपर दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप इसको वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करते हो तो भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्ट, दिस बटन इज ए कायरल ऑब्जेक्ट, क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो क्या होते हैं, ए कायरल होते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास जो कंपाउंड है, दैट इज मीथेन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। दीज आर द टू परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द ए कायरल स्ट्रक्चर। किस तरीके से, अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देखेंगे। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी क्या हाइड्रोजन है, और बैक साइड पे भी क्या है हमारे पास, यहां पे हाइड्रोजन है। इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो किस तरीके की आएगी, दैट वुड बी लाइक दिस। यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे बैक साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, मीन्स इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, प्लेन में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या पीछे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली वी विल गेट द सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वन, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा रोटेट किया तो रोटेशन पे क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन जो इस साइड पे था वो यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन जो प्लेन में था वो पीछे चला गया, और जो पीछे था वो हमारा प्लेन में आ गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको जब हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली क्या करेगी, सुपरइम्पोज कर जाएगी। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जहाँ पे हाइड्रोजन लिखे हुए हैं वहाँ पे हम क्लोरीन लिखेंगे, तो ये भी एक ऐसी स्ट्रक्चर देगा, ऐसी मिरर इमेज देगा जो क्या करेगा, इसके ऊपर सुपरइम्पोज कर देगा। अब ये तो बात है सुपरइम्पोजिबिलिटी की। अब बात आती है कि इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री कैसे है, क्योंकि जब भी हमने कायरलिटी या एकायरलिटी की बात करनी है तो दो चीजें देखनी होती है, एक तो कि उसकी जो मिरर इमेज आती है क्या वो किसी तरीके से उसके ऊपर सुपरइम्पोज कर जाती है। अगर तो सुपरइम्पोज करती है तो मींस उस स्ट्रक्चर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्लेनोसिमेट्री या फिर सेंट्रोसिमेट्री रहेगा, ठीक है। तब इसमें हमने देखा कि इसकी मिरर इमेज तो है सुपरइम्पोज कर जाती है, अब क्या इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री है, यस डेफिनेटली है, ठीक है। किस तरीके से है कि अगर हम इस मॉलिक्यूल में ये जो हमारे पास प्लेन में हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, एक हमारा जो हाइड्रोजन क्या है फ्रंट साइड पे है, एक जो है हमारा जो बैक साइड में पड़ा हुआ है, मीन्स अगर हम इस स्ट्रक्चर में क्या करें, एक प्लेन इस तरीके से पास करें, एक प्लेन हम इसमें पास करते हैं इस तरीके से कि इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वो कैसा प्लेन रहेगा ये देखिए। अगर हम इसको इस वर्टिकल प्लेन में पास करते हैं तो क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब यहां पे तो क्या है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो जब ये डिवाइड करेगा इसको किस तरीके से डिवाइड करेगा, कि ये
जो प्लेन इसमें से पास हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन हाफ फ्रंट साइड पे हाफ बैक साइड पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन भी हाफ फ्रंट साइड पे हाफ बैक साइड पे, एक हाइड्रोजन कंप्लीटली फ्रंट साइड पे और दूसरा हाइड्रोजन कंप्लीटली बैक साइड पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, दो हाफ मॉलिक्यूल मिलेंगे मीथेन के, जिसमें हाफ हाइड्रोजन एंड कंप्लीट हाइड्रोजन ऑन द फ्रंट साइड, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमें हाफ हाइड्रोजन और एक कंप्लीट हाइड्रोजन मिलेगी। तो मीन इस तरीके से हमारे पास एक प्लेन इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हमें यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाती है। सो दिस मॉलिक्यूल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो ये चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है कि जब भी कभी किसी कार्बन के साथ या किसी भी स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर सेम टाइप के एटम्स पड़े हुए हैं, तो उसमें एक कायरलिटी आएगी। अगर उस कार्बन के ऊपर चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं या एक भी ग्रुप डिफरेंट आ जाता है, तो मीन्स वहां पे चांसेस हैं कि वो कायरल हो सकता है। वो क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। तो यही हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके से कायरलिटी ओरिजिनेट होती है। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हमने देखा है कि वो कायरल नेचर के होते हैं और उसके अंदर कायरलिटी की प्रॉपर्टी होती है एट द कार्बन एटम विच इज हैविंग द विच इज बॉन्डेड विद द फोर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अगर हमारे पास किसी कार्बन के ऊपर क्या हो, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो उसके अंदर डेफिनेटली क्या आएगी, कायरलिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज ए एटम लगा हुआ है, यहाँ पे बी एटम लगा हुआ है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो उसकी जो मिरर इमेज आएगी, वो मिरर इमेज क्या होगी, किसी भी तरीके से एक्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी, यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी। इसको आप किसी भी तरीके से रोटेट करने की कोशिश करो या ऐसे इसको उठा के रखो, तो ये सुपरइम्पोज नहीं करेगा, ओके। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कायरलिटी प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पे जिस भी कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कह देते हैं, ठीक है, कायरल कार्बन कह देते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम उस कार्बन के ऊपर हम स्टार डाल देते हैं। तो जिस भी कार्बन के ऊपर स्टार लगा होता है, वो कौन सा होता है, कार्बन कायरल कार्बन होता है। मींस उस कार्बन के ऊपर ना तो कोई प्लेनोसिमेट्री होगी, ठीक है, और ना ही उसके अंदर कोई सेंट्रोसिमेट्री होगी। और अगर हम उस कार्बन के को मेन कार्बन मान के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसकी जो मिरर इमेज आएगी, तो वो उसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये जो सेंटर हुआ, जिस कार्बन के ऊपर सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा है, कायरलिटी आ रही है, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कह देते हैं और उस सेंटर को हम कायरल सेंटर भी कह देते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज द कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, और स्टीरियो सेंटर भी कह देते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बात सबकी सेम है, ठीक है। स्टीरियो सेंटर कह दिया, स्टीरियोजेनिक सेंटर कह दिया, कायरल सेंटर कह दिया या कायरल कार्बन कह दिया, ये सारे सेम है। पहले जो नॉमेनक्लेचर था, उसमें इस कार्बन को हम क्या कहते थे, एसिमेट्रिक कार्बन कहते थे, वी कॉल देम एसिमेट्रिक कार्बन। बट अब हम इसको कायरल कार्बन कहेंगे या कायरल सेंटर कहेंगे या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे या फिर स्टीरियो सेंटर कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर और व्हाट इज अ कायरल कार्बन और व्हाट इज ए कायरल सेंटर, तो आपने क्या डिफाइन करना है, वी विल डिफाइन द कायरल कार्बन और द कायरल सेंटर और द स्टीरियोजेनिक सेंटर इज द कार्बन एटम, ठीक है। एक ऐसा कार्बन एटम है विच इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, सच एज इट इज हैविंग लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दीज कैन बी हैविंग टू डिफरेंट टेट्राहेड्रल मॉडल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, या फिर हम एक हमारे पास बॉल एंड स्टिक मॉडल होता है, एक तो होगा हमारा ये मॉडल, दूसरा हमारे पास क्या है, बॉल एंड स्टिक मॉडल, हम उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेंटर में आप रखते हो कार्बन, उसको आप डार्क कर दो पेंसिल से, ओके, और चार बॉन्ड आपने प्लेन में ही दिखानी है, ठीक है, आपने इनको प्लेन में ही दिखाना है और उनके साथ आप क्या लगा सकते हो, डिफरेंट एटम्स लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर में लगा लो, चाहे आपको इसको मेंशन कर दो कि ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये सी एटम है और ये डी एटम है, ठीक है। तो इसकी आपने वहां पे मिरर इमेज भी शो करनी होती है, तो जब मिरर इमेज शो करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा रहा स्टीरियोजेनिक सेंटर, ओके,
तो यहां पे हमारे पास एक एटम है जो कि बी एटम है, यहां पे जो एटम रहेगा दैट वुड बी दी सी एटम, ठीक है, और यहां पे जो एटम रहेगा दैट वुड बी दी डी एटम, और इस साइड पे जो एटम रहेगा दैट वुड बी दी ए एटम, ठीक है। अगर आप बी के ऊपर सुपरइम्पोज करते हो तो सी जो है ए के ऊपर आएगा, डी जो है यहां पर आ जाएगा, और ये जो हमारे पास ए है वो सी के ऊपर आएगा। अगर आप इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि बी तो बी के ऊपर सुपरइम्पोज करके है, तो बाकी एटम को आप सुपरइम्पोज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि जब आप रोटेट करोगे तो डी तो यहां पे डी के ऊपर सुपरइम्पोज कर जाएगा, बट ए जो है वो सी के ऊपर आएगा, सी जो है वो ए के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन के ऊपर चार डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, उस कार्बन को हम स्टीरियो सेंटर कह देते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर कह देते हैं, कायरल सेंटर कह देते हैं, या फिर कायरल कार्बन भी कह देते हैं, ठीक है। जिस मर्जी मॉडल से आप चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे उस तरीके से प्रिंट कर लो, दोनों ही ठीक हैं, दोनों तरीके से आपका काम वहां पे पेपर में चल सकता है, ठीक है। ओके, सो तो कोई भी आप कंपाउंड ले लो जिसमें हमारे पास क्या हो, एक कार्बन ऐसा हो जिसपे चार डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो उस कार्बन को हम अगर हमने स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है तो हम स्टार डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टू मिथाइल वन ब्यूटेनोल, टू मिथाइल वन ब्यूटेनोल, जिसको हम लिखते हैं C2H5CH CH3 and CH2OH, ठीक है। ये एक टू मिथाइल वन ब्यूटेनोल है, ये जो कार्बन है जिसके साथ एक साइड पे इथाइल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा मिथाइल, और एक क्या है CH2OH लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन है इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इस कार्बन को हमने यहां रख दिया, और जो हाइड्रोजन होता है सबसे छोटा एटम है, इसको हम क्या करते होते हैं हमेशा बैक साइड पे दिखाते हैं, और जो बिगर एटम है उसको हम ऊपर दिखाते हैं हमेशा प्लेन में। तो यहां पे हम रखेंगे C2H5, और हाइड्रोजन को आप पीछे रख दो इस तरीके से, ठीक है। यहां पे प्लेन में आप CH2OH रख दो, और बाकी रह गया मिथाइल, उसको आप जिस मर्जी साइड पे शो कर दो, इस तरीके से शो कर दो, जहां पे एक एटम बैक साइड पे उसके साथ ही फ्रंट साइड पे आप इसको रख सकते हो। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो किसी भी तरीके से इसकी जो मिरर इमेज है वो सुपरइम्पोज नहीं करेगी, ठीक है। इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो सुपरइम्पोज नहीं करेगी किसी भी हालत में। तो ये हमारा बन जाएगा टू मिथाइल वन ब्यूटेनोल। ओके, सिमिलरली वी हैव द लैक्टिक एसिड, जिसकी हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी क्या आता है हमारे पास एक कायरल सेंटर आता है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, CH3, तो यहां पे कार्बन, उसके साथ क्या है H लगा हुआ है, और OH लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है COOH है, ठीक है। इसको हम खोल के कैसे लिखते हैं, यहां पे OH, यहां पे H, COH, और यहां पे क्या है CH3, और इसकी जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी, एक साइड पे COOH, इधर को H, इधर को क्या आ जाएगा हमारे पास मिथाइल, और यहां पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। तो वो भी क्या करेगी सुपरइम्पोज नहीं करेगी। बट यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है कि एक कार्बन के ऊपर स्टीरियो सेंटर आने से तो हमारे पास ये पता लग गया कि उसके अंदर क्या है कायरलिटी है। समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमने कैसे देखना है, तो उस केस में हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रक्चर उसमें एग्जिस्ट कर सकती है कि वो एक कायरल हो। तो ध्यान देना होता है कि उसमें कोई प्लेन सिमेट्री ना होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 2,3-dichloro-butane, ठीक है, 2,3-dichloro-butane, यहाँ पे 2 पे क्लोरो है, यहाँ पे 3 पे क्लोरो है, तो ये हमारा बन गया 2,3-dichloro-butane। अब इसकी कई सारी स्ट्रक्चर बन सकती हैं जिसमें क्या है कि ये दो क्लोरीन सेम साइड पर रखे हैं, अगर हम इसको यहां पर रख देते हैं तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगी, और यहां पे एच आ जाएगा, ये सीएल आ जाएगा, ये सीएच3 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम क्लोरीन को यहां भी रख सकते हैं, इस क्लोरीन को हम यहां रख सकते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकती हैं। तो इसमें जो एक स्ट्रक्चर जो ये वाली है, अगर हम इसको वर्टिकली लिखें इस तरीके से, तो वहां से हमें क्लियर हो जाता है कि यहां पर जो क्लोरीन है ये क्लोरीन है, ठीक है, इस तरीके से। और वैसे भी ये क्या है, एक तरह से हमारे पास सैचुरेटेड एक तरह से हाइड्रोकार्बन है, हैलोकेन है, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बन सकते हैं।
ठीक है, तो उनमें से जो हमारे पास एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होगा, एक्लिप्स्ड जो हमारे पास कंफर्मेशन होगी उसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर एक्लिप्स कर रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर एक्लिप्स कर रहा है, मिथाइल मिथाइल के ऊपर एक्लिप्स कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें हमारे पास दो स्टीरियो सेंटर है। देखो इसमें हमारे पास दो स्टीरियो कार्बन है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में। तो हालांकि स्टीरियो सेंटर है इसके अंदर, बट फिर भी ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए कायरल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्लेनोसिमेट्री है। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या है? प्लेनोसिमेट्री है। और इसकी जो मिरर इमेज रहेगी जिसमें यहां पे क्लोरीन रहेगा, यहां पे मिथाइल रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन रहेगा, यहां पे क्लोरीन रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन रहेगा, यहां पे क्या रहेगा? मिथाइल रहेगा। तो इसकी मिरर इमेज को अगर हम रोटेट करते हैं तो क्लोरीन हमारे पीछे घूम के यहां पे आ सकती है, हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा, ये भी क्लोरीन यहां आ जाएगी और हाइड्रोजन क्या यहां पे आ जाएगा, तो ये उसके ऊपर सुपरइम्पोज कर जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जो एक्लिप्स स्ट्रक्चर है वो सुपरइम्पोज होती है, पहले से ही एक्लिप्स होती है, तो वो क्या रहेगी? हालांकि इसके अंदर दो स्टीरियो सेंटर है फिर भी वो एक आयरन स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो वो हो गया जिसके अंदर कायरल सेंटर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल क्या है? ए कायरल है। बट कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसे भी हैं कि उनके अंदर कायरल कार्बन नहीं है फिर भी पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है। ठीक है, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स नोन टू एग्जिस्ट विच आर कायरल इवन दो दे डू नॉट कंटेन एनी कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एलीन्स की, तो एलीन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम इस तरीके से लिखते हैं भी जो कार्बन है सेंटर वाला वो दोनों साइड से डबली बॉन्डेड होता है साथ वाले कार्बन के साथ, तो इनके अंदर कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, कोई भी कार्बन जो है कायरल कार्बन नहीं है। बट जब हम इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, जब इसको हम लाइट में रखते हैं तो इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। ओके, सो वी कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल। किस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो मिथाइल है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़े हुए हैं, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो दो ग्रुप रखे हुए हैं दीज आर इन द वर्टिकल प्लेन, मींस ये एक वर्टिकल प्लेन में है, यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल प्लेन में है, और ये हमारे पास यहाँ से ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़े हुए हैं। ठीक है, मींस ये जो हाइड्रोजन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पीछे को है और ये मिथाइल ग्रुप फ्रंट साइड पे है, ये दोनों प्लेन में हैं। तो मींस इनकी जो है स्ट्रक्चर है वो इसमें कोई सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, ठीक है, और ना ही इसकी मिरर इमेज जो है इसके ऊपर सुपरइम्पोज करेगी। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये जो हाइड्रोजन पीछे को था वो पीछे को ही रहेगा और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल प्लेन में है वो इस तरीके से इस साइड पे वर्टिकल प्लेन में रहेंगे। तो जो वर्टिकल प्लेन में है वो क्या करेंगे? ठीक है, जब इनको हम सुपरइम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो वो सुपरइम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको आप इसके ऊपर करोगे तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा, मीन्स ये हाइड्रोजन पीछे को चला जाएगा, ये मिथाइल हमारे पास फ्रंट साइड में आ जाएगा, तो ये इसको सुपरइम्पोज नहीं करेगा। अगर आप इस प्लेन को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन जो है इस साइड पर आ जाएगा, मीन्स अगर आप इसको उठा के कोशिश करते हो कि इसको वर्टिकल प्लेन में ले आओ तो ये तो सुपरइम्पोज कर जाएंगे यहाँ पे, बट ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा, हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? फ्रंट में आ जाएगा, मिथाइल क्या चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, तो ये सुपरइम्पोज नहीं करेगा इसके ऊपर। ओके, और ना ही इसके अंदर कोई हमारे पास प्लेनोसिमेट्री है। सो दिस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कायरलिटी है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? कायरलिटी है, इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल हमारे पास और है दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूटेड बायफिनाइल्स। सब्स्टिट्यूटेड बायफिनाइल्स भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो वर्टिकल प्लेन में होता है और दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। अब बायफिनाइल्स, दीज आर दी बायफिनाइल्स, ठीक है, दीज आर दी बायफिनाइल्स। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन है COH और यहां पे क्या है NO2 और यहां पे NO2 और यहां पे क्या है COH, ठीक है, तो दीज आर दी बायफिनाइल। इसमें जो एक रिंग है दैट इज इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरीके से ही प्लेन में पड़ी हुई है, और ये जो है ये वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है,
तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो भी इस तरीके से ही आएगी, ना तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज करेंगे और ना ही इनके अंदर क्या है कोई प्लेन ऑस्मिट्री है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, मीन्स हम इसको साइड से देख रहे हैं तो इस तरीके से ये रिंग दिखाई दे रही है और ये हमारे पास बिल्कुल सामने हमें रिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या है CuH ग्रुप है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CuH ग्रुप है और यहाँ पे NO2 है। तो इसकी जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं कर रही है, ना ही इसके अंदर कोई प्लेन ऑस्मिट्री है। तो हमारे पास कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो हमने देखा कि जिसके अंदर सिंगल कार्बन होगा और उसके अंदर स्टीरियो सेंटर होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा कायरल होगा। ठीक है, और जिसके अंदर क्या होंगे मतलब चार ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे तो वो कार्बन क्या होगा कायरल होगा, ना उसके अंदर कोई प्लेन ऑस्मिट्री होगी ना ही वो सुपरइम्पोज करेंगे। दूसरा हमने देखा कि कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा हमारे पास क्या है कायरल सेंटर है बट उनकी एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो ए कायरल है। ठीक है, क्यों उसके अंदर क्या आ जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ओके, उसके बाद हमने एग्जांपल की जिसके अंदर हमारे पास कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जहां पे क्या हो कायरल सेंटर आए बट अगेन द मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। तो उसमें एक एग्जांपल हमने की एलिन्स की और दूसरी आ जाती है सब्स्टिट्यूटेड बाय फिनाइल्स की। ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अंदर विदाउट हैविंग एनी कायरल सेंटर दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कायरलिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है या ऑप्टिकल आइसोमर्स वो हो सकते हैं। तो जिसमें हम दो मेन फिनोमेना को डिस्कस करेंगे, एक एनेंशियोमेरिज्म एंड सेकेंड इज द डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म।